भाभी मेरे लिए कॉफी बन गई या नहीं? आपको तो पता है ना मैं चाय नहीं पीती, मुझे कॉफी चाहिए होती है। और भाभी मेरे लिए आपने चाय के साथ हलवा बना दिया या नहीं? मेरे नूडल्स का क्या हुआ भाभी? मेरा तो आज ब्रेकफास्ट में ब्रेड पकौड़े खाने का मन कर रहा है भाभी, मेरे लिए तो वही बना देना। हाँ हाँ दीदी बस लाई। कुछ देर बाद फिर नीरज उनका भाई सबके लिए एक बड़ी सी ट्रे में रखकर उनकी फरमाइशों का सामान रख कर लाता है। ये लो दीदी तुम्हारी कॉफी, तुम्हारा हलवा, ये ब्रेड पकौड़ा और ये नूडल्स। लेकिन भैया ये सब आप क्यों लेकर आए हो? भाभी भी तो ला सकती थी ना। मैं तो बस यहाँ तक लाया हूँ, लेकिन बनाया तो सब उसी ने है, आखिर वो बेचारी अकेले कितना कुछ करेगी। देखो तो अपनी पत्नी की कितनी चिंता है इसे, अभी से जोरू का गुलाम बन गया है। ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, आप सबकी इतनी सारी फरमाइशें होती हैं और वो बेचारी काम करने वाली अकेली। हाँ तो हम कौन सा रोज रोज आती हैं यहाँ, और वैसे भी अगर हमें यहाँ आकर भी काम ही करना है तो फिर हमारा मायके में आने का क्या फायदा? मायका आराम करने के लिए होता है, काम करने के लिए नहीं। और जब हमारी ननद आती है तो हम भी तो उनकी खातिरदारी करती हैं, और अगर आपको हमारा यहाँ आना पसंद नहीं तो हम यहाँ नहीं आएंगी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, ये तो बस ये कहना चाह रहे थे कि सब मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा बस। भाभी हम यहाँ आराम करने आते हैं, अब यहाँ आकर भी हमें काम ही करना है तो फिर हम यहाँ आए ही क्यों? अर्चना की पांच नंदे थी और पांचों अपने मायके आई हुई थी, लेकिन उन सबको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके मायके आने से अर्चना पर कितना बोझ आ जाता है। उन सबको तो बस आराम करना होता है और अपनी फरमाइशें पूरी करनी होती हैं। अगले दिन बड़ी ननद रेखा अपनी भाभी अर्चना से, भाभी हम सब मूवी देखने जा रहे हैं, उसके बाद शॉपिंग पर जाएंगे, तब तक आप हमारे कपड़े रखे हैं उन्हें धो देना। और भाभी मेरे लिए ना शाही पनीर रोटी और प्याज के और गोभी के पकौड़े बना दीजिएगा, मेरा ये खाने का बहुत मन है, तो प्लीज वो बना दीजिएगा रात को। ठीक है दीदी, लेकिन मैं तो डाइटिंग कर रही हूँ और मैं ये सब नहीं खा सकती, इसलिए आप मेरे लिए दाल चावल बना दीजिएगा, और मेरा तो फास्ट है इसलिए मेरे लिए फ्रूट चाट बनाकर तैयार रखिएगा। ठीक है लेकिन दीदी वो क्या? वो क्या हुआ भाभी, खुलकर कहो। आप सब तो जानती हैं दीदी मैं गर्भवती हूँ और अभी कच्चे दिन है ना, तो मैं जल्दी थक जाती हूँ, भला मैं अकेले इतना सब काम कैसे कर पाऊंगी? अगर आप में से कोई मेरी हेल्प के लिए घर पर ही रुक जाता तो ठीक रहता। रहने दो भाभी, आपको तो बस बहाने चाहिए काम ना करने के। अरे अभी तो शुरुआती दिन है, पेट भी इतना नहीं निकला, तुम आराम से काम कर सकती हो। अरे भाभियां तो अपनी नंदों पर जान छिड़कती हैं, लेकिन एक आप हो जो हर वक्त बस हमें काम के लिए कहती रहती हो। खैर छोड़ो, चलो हम सब, हमें देर हो रही है, मूवी शुरू हो जाएगी। पांचों नंदे मूवी देखने चली गई। बेचारी अर्चना को सारा काम अकेले ही करना पड़ा। फिर रात को वो इतना ज्यादा थक गई कि वो चल भी नहीं पा रही थी। उसके पति नीरज की नजर उसके पैरों पर गई। अर्चना तुम्हारे पैरों में तो कितनी सूजन है। जी आज बहुत काम था, सबके कपड़े धोए, सबके लिए अलग अलग खाना बनाया, शायद सारा दिन खड़े रहने की वजह से ये सूजन आ गई। अब बस रोटियां बेलनी रह गई हैं, वो बेल लेती हूँ फिर आराम कर लूंगी। रोटियां वो खुद आकर बना लेंगी, तुम आराम करो जाकर। तभी वहाँ पांचों बहनें आ जाती हैं। वाह भैया वाह, अब हम बाहर से थकी हारी आकर रोटियां बनाएंगी, हमें काम के लिए कह रहे हो और अपनी पत्नी को आराम के लिए, उसने थोड़ा सा काम क्या कर लिया, तुम तो उसी की साइड लेने लगे। इसे थोड़ा सा काम कहती हो तुम, देख भी रही हो उस अकेली ने इतने सारे कपड़े धोए, तुम सबकी तरह तरह की फरमाइशें पूरी की, प्रेगनेंसी की हालत में भी वो कितना काम अकेले कर रही है, और तुम लोगों को उस पर जरा भी दया नहीं आई। खुद तुम सारा दिन घूम रही थी और वो ऐसी हालत में भी काम कर रही थी, ऊपर से आप कह रही हो कि मैं उसे सपोर्ट ना करूं। बस भैया अब तो आप अपनी पत्नी को ही सपोर्ट करेंगे, अब बहनें तो आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। तुम सब बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो। देखिए आप बहसबाजी मत कीजिए, मैं रोटियां बना देती हूँ। फिर अर्चना सबके लिए रोटियां बनाती है, फिर नीरज उसे दवाई देता है जिसे वो खाकर आराम करती है। लेकिन फिर जब वो अगली सुबह सोकर उठती है तो सारा घर बिखरा पड़ा हुआ होता है, पानी का गिलास, जूते, कपड़े सब फैले हुए होते हैं। ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, दीदी ये आपने सारा घर फैला कर रखा हुआ है, आपके कपड़े कहीं, जूते कहीं, और तो और पानी पीकर पानी का गिलास तक भी नहीं उठाया आपने। अरे कम से कम इतना तो कर ही सकती हो, मायके का मतलब ये नहीं होता कि आप सब मुझे अपनी नौकरानी समझे और नीचा दिखाती रहे। भाभी जरा तमीज में रहकर बात करो हमसे, शायद आप भूल रही हो कि हम आपकी नंदे हैं। मुझे अच्छे से याद है ननद जी, लेकिन शायद आप सब भूल रही हैं कि मैं आपकी इकलौती भाभी हूँ, कोई नौकरानी नहीं जिससे आप सारा दिन बस काम ही करवाती रहे। बस अब ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर है, अब मैं और इस घर में नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ अपने मायके। नहीं रुक जाओ अर्चना, रुक जाओ। लेकिन अर्चना किसी की नहीं सुनती और अपने मायके चली जाती है। देखा भैया आखिर कैसे थोड़े से काम के पीछे अपने मायके भाग गई तुम्हारी पत्नी। चुप रहो तुम सब, आज जो हुआ है ना
वो तुम सबके कारण ही हुआ है। शायद तुम सब जानती नहीं, जब मेरे रिश्ते की बात चल रही थी ना, तो हर कोई मुझसे बस इसीलिए शादी के लिए मना कर देती थी क्योंकि मेरी 5 बहनें हैं और कोई भी लड़की 5 नंदों वाले घर में शादी नहीं करना चाहती। लेकिन जब मैं अर्चना से मिला तो उसने मुझे कहा, बहनें तो बहनें होती हैं, चाहे एक हो या 5, और आप तो कितने भाग्यशाली हैं जो आपको 5 बहनों का प्यार मिला। उसने कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन सबको अपना लूंगी। लेकिन तुम सबने आखिरकार उसे यह एहसास करवा ही दिया कि किसी भी लड़की को 5 नंदों वाले घर में शादी नहीं करनी चाहिए। अपने भाई की बात सुनकर उन सबको अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। फिर वो पांचों बहनें अपनी भाभी को मनाकर वापस घर ले आती हैं। अब वो सभी घर के काम में अपनी भाभी का हाथ बटाती हैं और सब साथ में ही बाहर मजे करने जाती हैं। अब वो पांचों नंदे अपनी भाभी को बहुत प्यार करती हैं। अपनी नंदों का ऐसा व्यवहार देखकर अर्चना भी अब बहुत खुश थी। रमोला के पांचों लड़के अब जवान हो गए थे और सबकी शादी की उम्र भी हो गई थी। रमोला को अब उनकी शादी की चिंता सताने लगी थी। फिर एक रोज उनका खानदानी पंडित अर्चना नाम की लड़की का रिश्ता उसके सबसे बड़े बेटे अशोक के लिए लाता है। रमोला बिना ज्यादा देर किए उन दोनों की शादी करवा देती है और फिर बड़ी धूमधाम से उसका स्वागत करते हुए बोलती है, आओ मेरी बहू, सबसे बड़ी बहू, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। भगवान करे तुम्हारे शुभ कदम मेरे घर पर पड़ते ही मेरे बाकी चारों लड़कों की शादी भी जल्द से जल्द हो जाए। अगले दिन सुबह रमोला अपनी बहू के कमरे में जाती है और उसे एक साड़ी देते हुए कहती है, ये ले बहू, आज तेरी मोदीखाई है ना, तो ये साड़ी तू अपनी मोदीखाई पर पहन ले। सासू माँ, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं अपनी माँ की दी हुई साड़ी पहन लूँ? पहले मुझे दिखा कि वो साड़ी कैसी है, अगर हल्की हुई तो मैं पहनने नहीं दूंगी। हाँ, पहले ही कह देती हूँ। अर्चना अलमारी से वो बनारसी साड़ी लाकर अपनी सास को दिखाती है, जिसे देख रमोला की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे वाह बहू, ये तो बहुत ही सुंदर साड़ी है, वैसे कितने की ली तूने? माँ जी, मेरी मम्मी ने ये साड़ी पूरे 40,000 की ली है। एकदम प्योर बनारसी सिल्क की साड़ी है, माँ ने बोला था कि अपनी मुदिखाई पर इसे ही पहनियो। अच्छा अच्छा, ठीक है, इसे ही पहन ले। चल अब तू तैयार होकर नीचे आ जा, मोहल्ले की औरतें आती ही होंगी। कुछ देर बाद अर्चना तैयार होकर नीचे आती है। उसकी साड़ी देख सभी औरतें हैरान रह जाती हैं। तभी उसमें से ममता नाम की एक औरत कहती है, वाह रमोला बहन, तुमने बहू को मुंह दिखाई पर बहुत ही महंगी साड़ी गिफ्ट की है। हाँ, हमें नहीं पता था कि आपका दिल इतना बड़ा है। आंटी जी वो हाँ हाँ हाँ, ये साड़ी मैंने ही बहू को दी है। वो क्या है ना, घर की पहली बहू है तो महंगी साड़ी देना तो बनता है। रमोला सबके सामने झूठ बोल देती है, साथ ही अर्चना को भी चुप रहने को बोलती है। बेचारी बहू चुपचाप अपनी माँ की दी हुई साड़ी का सारा क्रेडिट अपनी सास को दे देती है। साड़ी के साथ साथ सभी अर्चना की खूबसूरती की भी खूब तारीफ करती हैं। ऐसे ही कुछ दिन भी बीत जाते हैं और फिर दूसरे बेटे की भी शादी हो जाती है। फिर रमोला अपनी बड़ी बहू के पास जाकर कहती है, बहू मुझे तुझसे एक काम था, वो कल कीर्ति की मोदी खाई है तो तू वो अपनी बनारसी साड़ी मुझे दे दियो, मैं ना उसे दे दूंगी। कहीं उसने हल्की साड़ी पहन ली तो सभी लोग कहेंगे कि अपनी बड़ी बहू को तो महंगी साड़ी दे दी और इसे हल्की साड़ी। ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ मैं। भारी मन से बेचारी अर्चना वो साड़ी अपनी सास को दे देती है। रमोला वो साड़ी लेकर सीधा कीर्ति के कमरे में जाती है। ये ले कीर्ति बहू, ये हमारी खानदानी साड़ी है, बड़ी बहू ने भी अपनी मुंह दिखाई में यही पहनी थी, अब तू भी कल इसे ही पहनना। ठीक है माँ जी, वैसे सचमुच ये साड़ी तो बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन माँ, ये अचानक से खानदानी साड़ी कहाँ से आ गई? हमारी दादी ने तो हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। तू क्या उनकी बहू था जो तुझे बताती? चल बहू, अब कल अच्छे से तैयार हो जाना। अगले दिन कीर्ति वही साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। सभी मोहल्ले की औरतें आती हैं। तभी ममता फिर से कहती है, अरे रमोला बहन, ये साड़ी तो बड़ी बहू की है ना, जो तूने उसे दी थी। नहीं नहीं आंटी जी। अरे बहू तू चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता। ममता, मैंने अपनी पांचों बहुओं के लिए एक जैसी ही साड़ी ली है। एक साड़ी 40,000 रुपए की है। वो क्या है ना, मैं नहीं चाहती कि मेरी पांचों बहुओं को ये लगे कि उनके साथ भेदभाव हुआ है। अरे ये सासू माँ झूठ क्यों बोल रही हैं? उन्होंने तो कहा था कि ये खानदानी साड़ी है। इसी दुविधा में कीर्ति मुंह दिखाई के बाद अपनी जेठानी के कमरे में जाती है और उससे इस बारे में पूछती है, तो अर्चना उसे सारी बात बताती है। दीदी ये तो गलत बात है, सासू माँ और कितना झूठ बोलेंगी, वो भी आपकी माँ की दी हुई साड़ी को लेकर। चलिए हम अभी सासू माँ से इस बारे में बात करते हैं। नहीं कीर्ति, हमें अपनी ससुराल को और अपनी सास का मान रखना ही होगा, यही हम बहुओं का फर्ज है।
ऐसे ही कुछ महीने बाद रमोला के बाकी तीनों लड़कों के लिए तीन सगी बहनों का रिश्ता आता है, जिसके लिए रमोला मना कर ही रही थी कि तभी उसका छोटा बेटा धवल उसे रोक लेता है। लेकिन माँ, वो तीनों लड़कियाँ हम तीनों भाइयों को पसंद हैं, फिर आप मना क्यों कर रही हो? क्योंकि सासू माँ के पास तीन बनारसी साड़ियाँ नहीं है ना, इसलिए। कीर्ति चुप। फिर अपने बच्चों की मर्जी के आगे रमोला को झुकना पड़ता है और वो अपने तीनों बेटों की शादी तीन बहनों कुसुम, सीमा और पूजा से कर देती है। रमोला अपनी तीनों बहुओं का गृह प्रवेश करती है, तभी उसकी पड़ोसन ममता उसे कहती है, अरे वाह रमोला, अब तो तेरी तीन बहुएं एक साथ आई हैं। मैं तो बेसब्री से इनकी मुदिखाई का इंतजार कर रही हूँ कि ये तीनों एक साथ बनारसी साड़ी में कैसी लगती हैं। माँ जी, आंटी किस साड़ी की बात कर रही हैं? मैं बताती हूँ मेरी देवरानियों, सासू माँ ने अपनी पांचों बहुओं के लिए 40,000 वाली महंगी बनारसी साड़ी खरीद रखी है। कल तुम सब पहनोगी अपनी अपनी बनारसी साड़ियाँ। अरे मैं तो कहती हूँ कल पांचों बहुओं को एक साथ बनारसी साड़ी पहनाकर मुंह दिखाई करवा दे, जब पांचों एक साथ आएंगी तो कितनी अच्छी लगेंगी। वाह आंटी, कितना अच्छा आइडिया है। कीर्ति, तुम सब कुछ जानते हुए भी ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि एक ना एक दिन तो झूठ का अंत होना ही है ना दीदी। ये ममता तो मुझे कहीं के नहीं छोड़ेगी, वैसे गलती भी सारी मेरी ही है। अपनी बहू की साड़ी को मैंने अपनी दी हुई साड़ी बताया तो भुगतना तो था ही। अगले दिन सभी बहुएं अपनी सास से साड़ी मिलने का वेट कर रही थी, तभी रमोला उनके पास आती है और कहती है, अर्चना बहू मुझे माफ कर दे, मुझे अपना एक झूठ छुपाने के लिए ना जाने कितने झूठ बोलने पड़े। मुझसे गलती हुई जो मैंने तुम्हारी माँ की दी हुई साड़ी को अपनी दी हुई साड़ी कहा, लेकिन सच कहूँ तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम पांचों को नई साड़ी दिलवा पाऊँ, वो भी इतनी महंगी। ऐसी नौबत नहीं आएगी माँ जी। वो कैसे? क्योंकि कुसुम दीदी ने कल ही हमें सब सच बता दिया था और हमारे पतियों ने हमें बिल्कुल अर्चना दीदी जैसी साड़ी हिलाकर दे दी थी। हाँ माँ जी, इसीलिए अब आपको किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। हाँ, और अब आपकी पांचों बहुएं एक साथ बनारसी साड़ी में अपनी मुंह दिखाई करेंगी। अपनी बहुओं की समझदारी देख रमोला बहुत खुश होती है और अपनी गलती को समझते हुए फिर कभी झूठ न बोलने की कसम खाती है। फिर कुछ ही देर में वो पांचों बहुएं एक जैसी बनारसी साड़ी पहनकर सबके सामने आती है, जिससे रमोला की इज्जत पर कोई दाग नहीं लगता और फिर पांचों बहुओं की मुंह दिखाई खुशी खुशी हो जाती है।